है कि जैसे किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई रिसर्च की, किसी की कुछ फाइंडिंग्स थी, तो उनको आप जब अपने रिसर्च में यूज करना चाहते हो तो उसको तो रिफर करो कि ये काम मेरा नहीं, ये काम उस व्यक्ति का है, उस रिसर्च स्कॉलर का है, उस साइंटिस्ट का है जिसने इस काम को किया, तो उसको साइट करना करना, इसको कहते हैं साइटेशन। ओके बेटा, कि आप जब तक साइट नहीं करोगे तो आप प्लैगरिज्म में फंसते चले जाओगे कि आपने वो कहां दिखाई, ये तो आपका डाटा तो था नहीं, आपकी एनालिसिस तो थी नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन तो था नहीं, आपके ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो थे नहीं। आपने अगर इसको ले लिया और बिना साइट के ले लिया तो आपके पास प्लैगरिज्म के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फिर प्लैगरिज्म के कैटेगरी में आ जाते हो। ओके, क्या क्या श्वेता, आपकी वॉइस, श्वेता आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। श्वेता जी, श्वेता अपना माइक ऑफ करिए, 1 मिनट, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा ऑन करेंगे आपको। श्वेता प्लीज ऑफ योर माइक। निधि सोनकर ने माइक ऑन किया, क्या कोई क्वेश्चन है क्या आपका? निधि सोनकर, यस सर। हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी इंटरेक्टिव सेशन। सर मेरा क्वेश्चन साइटेशन और प्लैगरिज्म से ही है कि व्हेनेवर हम रिव्यू पेपर लिखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हम दूसरों को साइट कर करके ही लिखते हैं, तो उस समय हमारा प्लैगरिज्म लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो उस केस में हाउ टू राइट? सर नहीं, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो प्लेगरिज्म का वो है, जब कोई चीज आपने साइट कर दी, दैट इज नॉट द प्लेगरिज्म। पहले तो ये अपने को कॉपी और प्लेगरिज्म में अंतर होता है। कॉपी करना मतलब जी उनका जो उनकी बातों को एज इट इज अपने रूप में प्रेजेंट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, और प्लेगरिज्म डिफरेंट थिंग है। प्लेगरिज्म होता है जिसको आपने चोरी से किया, बिना उसको साइट किए किया, तब वो प्लेगरिज्म में आता है। अब आज की तारीख में जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ जो विशेषता आ रही है कि आपने जैसे ही साइटेशन दिया तो वो तुरंत वहीं से उठा करके आपको ये शो कर देंगे कि आप प्लेगराइज, ये मैटर जो है प्लेगरिज्म में है। फैक्ट ये वो प्लेगराइज प्लेगरिज्म में नहीं है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी साइटेड है, उसमें कहीं आपने पाप थोड़ी किया। हाँ, लेकिन कितना मैटर आप साइट कर सकती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट, उसकी भी एक मतलब परसेंटेज है। अब पता चला आपने पूरी पूरी थेसिस किसी दूसरे उठा करके लिखा दी, और वही उसी थेसिस आपका, जो मैंने तो साइट कर दिया, मैंने तो लिख ही दिया कि मानस पांडे की थेसिस थी, मैंने अपने नाम से लिख लिया। नो, वो नहीं है, उसका भी एक लिमिट है जो तो यूजीसी ने फिक्स कर रखा है, 10 से 20% के लगभग है, तो वो 20% से ऊपर का साइटेशन नहीं होना चाहिए। 100% साइटेड हो जाए पता चला, तो ऐसे नहीं रिसर्च हो सकती ना। फिर तो आपका अपना क्या रहा, फिर आपके आपने अपना क्या कंट्रीब्यूशन किया, जब सब चीजें उसकी साइटेड ही लेकर के आपने लिख दिया, पता चला एक रिजल्ट भी आपने साइटेड कर दिया। एनालिसिस, रिजल्ट और एनालिसिस आपकी अपनी होती है, ये साइटेशन केवल इंट्रोडक्शन में चलता है बस। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो भी चीजें चाहे वो रिव्यू ऑफ, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऑलरेडी आप ऑथर्स का नाम, उसके वर्क, उसके पब्लिकेशन सब कुछ लिखते हो, और मेन आप साइट करते हो इंट्रोडक्शन में। बाकी जो आपके एनालिसिस, डाटा एनालिसिस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन है, ये सब आपके अपने होने चाहिए, ये सब आपके अपने होने चाहिए, ये कहीं से भी जो है कॉपिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, निधि प्लीज ऑफ योर माइक, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। प्लीज ऑफ योर माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज चेता। मैं आपसे थैंक यू सर, आपने इतना रिसर्च के बारे में हमें बताया। सर मैं जानना चाह रही थी कि सबसे पहले जब कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो फिर मतलब क्या, मतलब किस तरह से एक थॉट डेवलप करना चाहिए, मतलब उसको लिखने से पहले सबसे पहले एक स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए कि कैसे उसको लिखते, देखिए सबसे पहले आज की सोचना जो चाहिए। श्वेता, मैं हाँ श्वेता मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में सबसे बड़ी जो हमारे आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम जी कॉमर्स सर, के हों चाहे मैनेजमेंट के हों, जी हमने दो सर, पेपर अधिक फाइनल ईयर में पढ़ लिए तो यस हमने कहा मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। हम एचआर के आदमी बन जाते हैं, हम मार्केटिंग के बन जाते हैं, फाइनेंस के बन जाते हैं, हम अपना विजन जो है ओपन नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने अगर मार्केटिंग, अब दो आप पेपर उसके अधिक पढ़े, ठीक है, उन दो पेपर को और 4 पेपर और पढ़िए, और फिर आप उस पर अपने आइडिया को जारी कीजिए। होता क्या है कि हम किताबें पढ़ते हैं,
अगर आपको रिसर्च करनी है, अच्छी रिसर्च करनी है, तो बेहतर होगा कि अच्छे रिसर्च पेपर्स को आप पढ़ें। अब आपको समझ में आया, जैसे आपको लगता है कि मेरा एरिया मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के फील्ड के आप एक, जैसे मार्केटिंग में भी सारी चीजें तो पढ़ी नहीं जाते, मान लीजिए आपने कंज्यूमर बिहेवियर को एक खोले, तो कंज्यूमर बिहेवियर एस्पेक्ट में जितने भी रिसर्चेस हैं उनको पढ़ना शुरू करिए। जब आप पढ़ेंगी और बार बार पढ़ेंगी, जो मैंने आपसे फोकस एरिया कहा, कोई रिसर्च पेपर को एक बार पढ़ लिया नहीं, बार बार पढ़ने पे आपको उनमें, जैसे हम लोग करते हैं ना कि आज की तारीख में बातें चलती हैं, जितनी बार रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, हर बार उसका अर्थ अलग नजर आता है। इन द सेम वे जब आप जितनी बार कोई लिटरेचर आप पढ़ोगे, उसका अर्थ आपको हर बार अलग नजर आएगा, तब आपको उसमें से एक गैप फाइंड आउट होने लगता है, एक चीज जनरेट होने लगती है। फिर आप अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने, अब हम लोग क्या कल्चर है कि हम अपना जो रिसर्च पेपर लिखते हैं उसको अपने दूसरे साथी के साथ शेयर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हम उसको बता देंगे कल वो वही पब्लिश कर देगा, हम बैठे रह जाएंगे, हम सोचते ही रह जाएंगे, और उसने वो रिसर्च पेपर, तो हमारे, आप, हमारी दिक्कत क्या आती है कि हमारे यहाँ इस तरीके की जो लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी है वो सबसे बड़ी घातक है। बेहतर होता है कि आप जितने भी रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट के हैं वो एक ग्रुप बनाएं और डिस्कस करें, एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करें, एक चिंता नहीं करें, कोई नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो जब बताता है कि इस रिसर्च पेपर में ये चीजें लिखी हैं, तो दूसरा कहता नहीं नहीं उस रिसर्च पेपर में ये बात भी लिखी है, उसको भी देखो, तो आपके दिमाग में खुलता, अच्छा चाहिए भी रिसर्च पेपर देखने लगता है, ये भी रिसर्च पेपर देखना चाहिए, तब आपके आप जो है और क्लियर होते जाते और तब आप अच्छे अच्छे रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए अपने डिपार्टमेंट लेवल का रिसर्च का रिसर्च पेपर जो भी आपने सोचा, जैसे आपको लगता है कि हम एक रिसर्च स्कॉलर है और हमको जो है एक रिसर्च पेपर लिखना है, तो अपने टीचर्स और कुलीग के साथ बैठ, फेलो रिसर्च स्कॉलर्स के साथ बैठ करके उस पेपर को पहले आइडिया जनरेशन स्टेज आपने फ्लोट किया, तो क्या होता, हम लोग के यहाँ होता है ना सबमिशन, सबमिशन को बिना क्या होता है, रिसर्च पेपर सबमिशन से बिना इसीलिए होता है कि आपको तमाम तरीके के सजेशन आते हैं बिफोर सबमिटिंग योर रिसर्च वर्क, ये भी होता है, तो इसलिए उसी तरीके से आप रिसर्च पेपर लिखने के लिए फ्लोट करो। Okay. जब आप उसको फ्लोट करोगे आप सब देखेंगे साइंस में जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं पता चला उसमें 10 ऑथर होते हैं, उसके पीछे वजह क्या, 10 ऑथर से मिलकर के अपना अपना दिमाग लगा करके एक रिसर्च पेपर लिखा, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इस चीज की थोड़ी कमी दिखती है, 2-3 ऑथर के बाद जो है लोगों को लगता है कि बच्चे नहीं बोलना चाहिए, इस वजह से हम उसको अवॉइड कर लें, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप अपना जितना अधिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे आप अपना अच्छा पेपर लिखेंगे। Thank you, sir. Thank you very much. It's really okay. Thank you, sir. Okay. Next question. Hello. Hello. Hello, sir. Nivedita Verma. Myself, Anshu Maurya. Please ask your question. Hello. Please ask your question, Nivedita madam. Please ask your question. Hello. Hello, sir. Sir, this is Nivedita. Yes, please ask your question. Sir, good morning, sir. Thanks for organizing such a wonderful session. Sir, my query is, how many papers should be consulted for literature review for a research paper and for the thesis? जितना तुम पढ़ोगी इसका कोई हम लिमिट बांध ही नहीं सकते कि हम कहते तुम 5 रिसर्च पेपर पढ़ लो, 10 रिसर्च पेपर पढ़ लो, 50 रिसर्च, अरे जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हें स्कोप जनरेट होगा, तुम्हें उतना ही बढ़िया रिसर्च गैप फाइंड आउट होगा, तुम उतना ही फोकस होकर अपने रिसर्च को लिख सकोगी। नहीं, इसका मतलब है कि आपने, इसीलिए मैंने जो शुरू में बताया, निवेदिता तुम अपने माइक ऑफ कर लो, जब आप अपना जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब करते हो, तो इसीलिए मैंने कहा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको स्पेसिफिक करने की दिशा में ले जाता है। आप जो बात कह रहे हो कि जो है कि हम जितना करते जाते फिर एड ऑन होता जाता, एड ऑन क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें जो है कहीं ना कहीं जो रिसर्च गैप फाइंडिंग्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकुना रह गया, जिसकी वजह से आप उस तरफ
बार बार फोकस कर रहे हो, फिर आप घूम घूम के आते हो, नहीं अच्छा ये भी ऐड हो जाता, ये भी ऐड हो जाता, ये भी ऐड हो जाता, हाँ हाँ ये भी अच्छी चीज है। नहीं, इसका मतलब कि आपका इनिशियल स्टेज में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर था वो बहुत कम था। नेक्स्ट, अंजलि मौर्य प्लीज। अंजलि मौर्य, अंजलि, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? सर, गरिमा आनंद हियर। या प्लीज गरिमा। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे सर ये पूछना था, सर आपने जो बताया था कि रेफरेंसेस और अपेंडिक्स में डिफरेंस होता है, सर रेफरेंसेस सर तो जो हमने पूरा काम किया है उसको लास्ट में हम जितने भी चीजें, रेफरेंसेस और अपेंडिक्स मतलब नहीं, अपेंडिक्स और एनेक्सर्स में, सॉरी सॉरी सर, हाँ सर, अपेंडिक्स और एनेक्सर्स में डिफरेंस होता है, हाँ बताओ जी सर। सर तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर, तो मुझे एक बार दोबारा बता देंगे सर उसमें डिफरेंस का, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा सर। अपेंडिक्स और एनेक्सर्स में अंतर ये होता है कि अपेंडिक्स जो होती है वो मटेरियल्स हैं जो आपके पीएचडी थीसिस से रेलेवेंट तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल एज इट इज जो है आपने अपने मेन कोर्स में नहीं किया है, मेन कंटेंट्स में नहीं रखा है, वो अपेंडिक्स okay. जैसे बिब्लियोग्राफी उसकी जरूरत तो है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर्स पढ़े, बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, आपने उनको नोट किया, वो अपेंडिक्स। लेकिन एनेक्सर जो होता है, जैसे आप सीवी बनाते हो, कोई फॉर्म भरते हो कभी, तो आप लिखते हो ना कि हाई स्कूल इतना परसेंट, इंटरमीडिएट इतना परसेंट, बी कॉम इतना परसेंट, एमबीए इतना परसेंट, बीए इतना परसेंट, ये सब लिखते हो ना, पीएचडी इतनी, तो जब आप उसको लिखते हो तो आपको उसमें पीछे उसके मार्कशीट डिग्री लगानी पड़ती है, मार्कशीट और डिग्री जो है वो उसका लीगल सपोर्ट है कि आपने जो बताया इतना परसेंट है तो आप चेक कर लो, यहाँ पे लिखा है इतना परसेंट है, इस सर्टिफिकेट में मेंशन किया है कि इतना परसेंटेज है, इसलिए हमने उसको यहाँ लगाया, दैट इज एनेक्सर। और जैसे हमने कोई थेसिस में या रिसर्च पेपर में हमने कोई टेबल की एनालिसिस शो की, डायग्राम वगैरह बना करके बकायदे उसकी और पूरी स्टैटिकल एनालिसिस उसकी हमने शो कर दी, लेकिन हमने टेबल नहीं शो की, वो टेबल अगर हम जब पीछे ले जाते हैं अपने लगा देते हैं तो वो टेबल हमारी एनेक्सर हो जाती है। लेकिन वो टेबल कहाँ से बनी? वो टेबल बनी है उस क्वेश्चनर से, उस क्वेश्चनर को अगर हम लगा देते हैं तो वो अपेंडिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चनर में तमाम क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के आंसर के रूप में हमने इसको लिया है। तो सर एनेक्सर्स में, एनेक्सर्स में हमारे सारे टेबल्स और सब आ जाएंगे सर जो आपने बताया, रेफरेंसेस में सारे टेबल्स, सारे नहीं, सारे टेबल्स नहीं आएंगे, टेबल्स भी, टेबल्स वही आएंगे जिनका के सीधा संबंध आपकी थीसिस से है। अब आपने पता चला कि टेबल उठाई आरबीआई बुलेटिन की, आरबीआई बुलेटिन का कोई एक जो है डाटा उठाया, वो डाटा आपने एनेक्सर के रूप में लगा दिया, वो एनेक्सर नहीं है उसके, वो तो कॉमन चीज है, वो तो अवेलेबल है, सभी जगह अवेलेबल है। उसके आधार पे अगर आपने कोई एनालिसिस अंदर की हो तो उसके लिए आपने अलग से टेबल उसमें से आपने ड्रॉ की होगी, तभी आपने उसको किया है। लेकिन जब प्राइमरी डाटा कलेक्शन किया, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के बाद आपने एक टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद उस टेबल को आपने कहा कि हमने अपने रिसर्च पेपर्स के मेन कंटेंट में ना शो करके हम इसको एनेक्सर के रूप में ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल जो है चार पन्ने की थी, बड़ी सी, बस इसलिए हमने, ठीक है। तो टेबल इज नॉट, टेबल एनेक्सर ही होगी, अपेंडिक्स होने की संभावना उसकी कम होती है। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर दिव्या द्विवेदी केआरपीजी कॉलेज मथुरा से बोल रही हूँ। प्रोफेसर शर्मा आपको बहुत बहुत बधाई ई ज्ञान सीरीज ये अरेंज करने के लिए, और आपकी टीम को भी। मानस पांडे सर, मैं जब स्टूडेंट थी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ, मैं जब स्टूडेंट थी तो मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी पर कभी आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, और आज वर्चुअली ऑन स्क्रीन सर आज मैंने आपको सुना, और एक दिन एक कोविड वेबिनार में भी आप थे सर, रिसोर्स पर्सन, अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले करीब आप एक वेबिनार जो कोविड से रिलेटेड था उसमें भी आप रिसोर्स पर्सन थे, और एक बनारस के कॉलेज से वर्कशॉप हुई थी उसमें भी सर आप वैलिडिक्ट्री में थे। तो इधर मैं 2-3 प्रोग्राम में आपसे ऑनलाइन वर्चुअली ही आपको सुन रही हूँ और देख रही हूँ, तो
तो आज का सर लेक्चर बहुत ही अच्छा था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। और मैं कहीं ना कहीं मुझे आज फील हो रहा है कि जब एज अ स्टूडेंट हम लोग थे तो ऑनलाइन फैसिलिटीज इतनी कम थी कि हमें मैनुअली बहुत काम करना पड़ता था। मेरा सर आपसे एक गाइडेंस के लिए क्वेश्चन है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो अपनी थीसिस को कन्वर्ट करना चाहते हैं बुक के फॉर्म में, तो उसके लिए अगर आप मेन पॉइंट्स अगर हाईलाइट कर दीजिए। उसमें बुक्स के फॉर्म में क्या होता है, जब भी कभी, पहले तो ये है कि पीएचडी थीसिस जब इवेल्युएट होके जाती है तो एक्सपर्ट्स की तरफ से ओपिनियन लिखी जाती है एट द टाइम ऑफ वाइवा भी और एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन भी, ठीक है। अगर वो नहीं लिखी है तो उसको पीएचडी थीसिस को पब्लिश ना कराएं, क्योंकि वो जो है एक प्रकार से वर्क जो है वो माना जाता है विश्वविद्यालय का है। जब वो आपको अथॉरिटी दे दें कि हाँ इसको आप पब्लिश करा लीजिए, तो आप पब्लिश कराने के लिए एज इट इज पब्लिश कराइए, उसमें कहीं कोई फिर बदल करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही होता है कि उसमें डिक्लेरेशन और जो एक्नॉलेजमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ द स्कॉलर्स है, गाइड है, इन सब के सर्टिफिकेट्स उसमें से हट जाते हैं। प्लस आप ये ना सोचिए कि कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एक चैप्टर है तो उसको हम नहीं दिखा सकते, वो भी दिखाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वो भी दिखाया जा सकता है, वो रेफरेंस बुक्स की कैटेगरी में आती है, वो टेक्स्ट बुक की कैटेगरीज में नहीं आती है। इसलिए आप उसको एज इट इज पब्लिश कराएं विथ, अगर आपको लगता है कि हमारा डाटा 2 साल पुराना हो चुका है, अगर आप उसको अपडेट करना चाहें तो उसके हिसाब से अपडेट कर लें, बाकी कोई परिवर्तन उसमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो सर अगर पीएचडी जो है 5 साल 6 साल जैसे हाँ तो यही मैंने कहा ना, इसीलिए हमने कहा 6 साल पुराने अगर कोई पीएचडी वर्क है तो उसमें अगर आपको लगता है कि हमें डाटा अपडेट कर देना चाहिए जैसे कि लोगों को आज की तारीख में पढ़े तो उसको फायदा हो, आपकी बुक की वैल्यू हो, तब तो आप उसको रिव्यू कर लीजिए, उसको फिर से जो है उसमें डाटा ऐड कर लीजिए। अदरवाइज हम लोग जैसे रिकमेंड भी करते हैं तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि पब्लिश विद ड्यू अमेंडमेंट, उनको भी एड करना चाहिए उनको कर लीजिए। आपको लगता है रिव्यू और लिटरेचर में हमने आपने कोई चीजें छोड़ दी उनको एड कर लीजिए, कहीं उसमें वो बाध्यता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि परमिशन जरूर ले लीजिए, ठीक है। उसमें कहीं लोचन जी, तरविंदर जो है जबलपुर से। मैडम प्लीज जी, नमस्कार सर। सर सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका पांडे सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था लाइक कि हम प्राइमरी डेटा पे कोई क्वेश्चनेयर बना लें और उस क्वेश्चनेयर के आधार पर ही, जैसे कि हम कहते हैं कि एनेक्सर हो गया या अपेंडिक्स हो गया, तो मेरा कहने का मतलब है सर अगर हम किसी आर्टिकल में भी प्राइमरी डेटा को यूज करें और क्वेश्चनेयर बना लें और उसी के बेसिस पर बस इतना काम कर लें, तो सर इसके अलावा अगर हम कोई टूल यूज ना करें तो भी सर हमारा आर्टिकल अच्छा माना जा सकता है, मतलब कि ना 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 मैम देखिए एक बात समझिएगा जी, हम डाटा क्यों कलेक्शन करते हैं पहले इसको समझने की जरूरत है जी जी। हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम इसलिए कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम पब्लिक में जो हमारा शोध पेपर जाए उसमें हम उनको ये समझा सके, बता सके कि ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लें कि इस वक्त COVID-19 के सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का रुझान जो है शेयर मार्केट की तरफ कैसा है, आपने एक डाटा कलेक्शन किया, अब आपने क्या बताना चाहो, 100 लोगों का जब डाटा कलेक्शन किया और मान लीजिए 20 क्वेश्चन है उसमें, तो क्या आप 100 लोगों का 20 क्वेश्चन का टेबल दिखाओगे, नहीं। हम उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इतना परसेंटेज लोग आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इतने परसेंटेज लोग नहीं करना चाहते, तो उसको आप कैसे बताओगे जब उस टेबल को कन्वर्ट करोगे एनालिटिकल फॉर्म में टूल्स पे रख करके एनालिसिस करके। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि आप उसका एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो हम क्या कहते हैं जनरल एंट्री करो, जनरल एंट्री के बाद हम क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाओ,
ट्रायल बैलेंस के बारे में कहते हैं कि फाइनल अकाउंट है, जो हमने जो पहले जर्नल एंट्री दसियों किताबों में की, दसों पुस्तकों में की थी, उसी को हमने धीरे धीरे कन्वर्ट करते दो पन्ने में फाइनल अकाउंट में लिए हैं। तो उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप उसी को करते हैं जिससे लोग समझ सके उस बात को, ये जरूरी होता है किसी भी रिसर्च में, किसी भी शोध में। जी जी सर, जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन सर? मैं आस्क अ क्वेश्चन सर, प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड एंड इट वुड बी फॉर द बिगिनर्स ऑफ रिसर्च स्कॉलर। एक्चुअली आई एम सर डॉक्टर सुब्रत राय फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, एमबीसीयू में कॉमर्स डिपार्टमेंट। सर आई हैव अ क्वेश्चंस लाइक सपोज व्हेन समवन इज राइटिंग अ रिसर्च पेपर, suppose he has considered 20 literature surveys, one group they do that they include 20 literatures in the introduction section in a judicious way and maintain a good link between each of the research paper he has studied, but another group what they do, they make in another section all the literatures. My point of view, what And on the basis of that, when you are preparing your research gap, chart for the research gap, it gives different impressions. But when we talk about that someone connecting the things on the introduction part, when we add these things into the introduction, it means we are trying to give the references of that paper, that these papers are related to these my topics or somewhere related to my topic. Yes. But in that review of literature part, introduction part, you will not find any research gap from the researchers. So while you are preparing yourself from the separate chapter as a review of literature, it means you are trying to find out the research gap also. But when you are continuing with your topic, it means you are trying to justify your topic with the these given references, with these given references. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Any last question? Sir, namaskar. Divan, Divan is Shant. Yes, sir. Please. Sir, namaskar, sir. Very nice lecture. सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि सर अगर हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो क्या रिसर्च पेपर में लाइक COVID-19 पे बना रहे हैं या किसी रिपोर्ट पे हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो उसमें हाइपोथेसिस देना जरूरी है ऑब्जेक्टिव के बाद? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैडम, देखिए जैसे COVID-19 है, अब आपने बात कही COVID-19 है, इस पे अगर कोई रिसर्च पेपर बनेगा तो निश्चित है कि आपको डाटा की कमी मिलेगी, आपके पास जो लिटरेचर की कमी मिलेगी। दूसरी चीज हाइपोथेसिस की जो बात है, देखिए हाइपोथेसिस हमेशा एक चीज, वो मैं थोड़ा सा मिस कर गया, वो हाइपोथेसिस भी एक ऐसी चीज है जो हर रिसर्चर अपने थीसिस में डाल देता है, वो भूल जाता है कि हाइपोथेसिस की कहां जरूरत होती है। हाइपोथेसिस एक बिहेवियरल एनालिसिस, परिकल्पना, हिंदी में कहते हैं इसको परिकल्पना। परिकल्पना किसकी होनी चाहिए? कोई भी चीज की एनालिसिस हम ह्यूमन बींग पे कर रहे हो, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है मेरे सर आवाज के लिए नहीं है कि नहीं होगी सर, आवाज शेयर मार्केट में करना है, हम किस शेयर पे करेंगे सर? रिपीट कर दीजिए, आवाज बीच में चली गई, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था दीपा कि इसमें होता यह है कि जो हम लोग हाइपोथेसिस की बात करते हैं ना, हाइपोथेसिस जो है वो बिहेवियरल साइंस के पार्ट है। बिहेवियर साइंस में जब आप कभी किसी भी चीज की एनालिसिस कर रहे हो जिसमें आपको बिहेवियर देखना, तो बिहेवियर किसका देखने की जरूरत पड़ती है? ह्यूमन बिहेवियर को जब हम देखने के बाद, जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टर बिहेवियर हमको देखना है, तब हाइपोथेसिस की जरूरत है। लेकिन अगर हमने ये एनालिसिस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रमोशनल प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज ऑफ द
आरआरबी। अब इसमें हाइपोथेसिस की क्या जरूरत है? आपके पास जो है आरआरबी का सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है, उसमें प्रोडक्टिविटी की पोजीशन अवेलेबल है, किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को आपको चेक करना है तो उसकी प्रोडक्शन की डाटा अवेलेबल है, आपके प्रॉफिट का डाटा अवेलेबल है, आप उसके आधार पर एनालिसिस करो। अब उसमें अगर आपने जो है हाइपोथेसिस डाल दिया, इसका मतलब है कि आपको मालूम ही नहीं कि हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। हाइपोथेसिस हमेशा जो परिकल्पना, हिंदी में शब्द है परिकल्पना, परिकल्पना क्यों कहा जाता है? परिकल्पना मतलब ये है कि हमारी जो सोच होगी वो आपकी सोच नहीं होगी, हमारी जो सोच होगी वो आपकी सोच नहीं होगी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट के प्रति रुचि होगी वो आपकी नहीं होगी, हम जिन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसमें आप नहीं करोगे, आपका अप्रोच दूसरी तरफ होगा। इसका मतलब है कि मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना जो हर एक का वह है, इसलिए हम उसमें परिकल्पना ले लेते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस रहेगी और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर ये कोई माना तो ठीक है, नहीं तो अल्टरनेटिव में हमारे पास ये हाइपोथेसिस। इसलिए हमेशा जो सिंपल जो सेकेंडरी डाटाबेस थ्योरीज होती हैं उनमें अवॉइड करना चाहिए हाइपोथेसिस बनाने को। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बस रिलेटेड डाटा ना हो। नाउ session is over, any last question if you have please. Sir, can I speak little bit about Manas Pandey sir ji? Please. Hello. But within 1 minute. I met him in many places and I call in my many conferences also. Main unko bahut bar idhar bhi bula chuki hu, bahut bar sun bhi chuki hu. But all these are face-to-face conversation and communication. Today, I met him in virtual way. And really, it was a very good session. And sir, I really appreciate you all the time. And congratulate you once again and your team also. It was a nice presentation from your side. And sir, aapka jo organization team hai, unhone bhi bahut acche se ye kiya. और त्रिलोचन सर मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत अच्छे से आपका जी मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। नाउ सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, प्लीज सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन था, हेलो बताइए जल्दी से बताइए सर, जैसे हम रिसर्च गैप लिखते हैं तो सर रिसर्च गैप को हम इंट्रोडक्शन पार्ट या ऑब्जेक्टिव से पहले ही लिख सकते हैं या उसको कहीं एडजस्ट भी कर सकते हैं? नहीं, रिसर्च गैप हमेशा जो है इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस के मतलब इंट्रोडक्शन के बाद रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स और जो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसके पहले जी, अभी उसके बेस पे जो है आप अपना जो है ना, ठीक है जी। सुचित्रा यू आर आस्किंग? यस सर, गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, प्लीज, या यू आर ऑडिबल सर। सर आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन जीबी पंत सोशल साइंस। Firstly, I would like to thank all of you, sir, for such a enlightening this disclosure. Sir, my question is to Manas sir. Sir, I would like to ask that in research, when we are writing the research, there are two things, research objective and research question. Is it important to write both, or is it that we can only write one of these? Actually, Suchitra, what happens? There are some of the universities, some of the institutions, they are focusing on the, basically in the science field, the problem of statement. प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो है यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है जब उसको जो है सर्च क्वेश्चंस को जब फाइंड आउट कर लोगे अकॉर्डिंग टू दैट यू आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वे क्या चुनोगे वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही आपको बताता है। ओके ये उसमें जरूरी हो जाता है जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। इट वाज अ वेरी गुड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजफुल लेक्चर। नाउ आई वांट टू कॉल माय कोलीग डॉक्टर शिवेन सिंह फॉर फॉर्मल थैंक्स अ लॉट। शिवेन जी, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज। थैंक यू सर, इस ई ज्ञान सीरीज के प्रथम ऑनलाइन लेक्चर के समापन में
अब समय आ गया है धन्यवाद ज्ञापन का। धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर मानस पांडे सर का, जिन्होंने हम लोगों के भी रिसर्च एटीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को ब्रशअप कर दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं एक रिसर्चर के मन में, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये किसके बाद होता है, उन सारे डाउट्स को सर ने बहुत ही सरल शब्दों में क्लियर कर दिया। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बेहतरीन लेक्चर के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा सर, हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय, जिनके दिशा निर्देशन में हम इस वेबिनार, इस ई लेक्चर, ई ज्ञान सीरीज को करने के लिए आगे बढ़े। समय समय पर वो पूछते रहते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किससे बात हुई, क्या बात हुई, सर का बहुत ही धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डीन सर प्रोफेसर पवनेश कुमार सर का, जिनका दिशा निर्देशन हमें समय समय पर मिलता रहा, जिनसे हम प्रेरित होते रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हेड सर प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा सर का, जिन आप यकीन नहीं करेंगे रात को 11 बजे 12 बजे भी सर का मैसेज आता है, सुबह 5 बजे भी मैसेज आता है कि क्या अपडेट है, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, सर से बात हुई नहीं बात हुई। सर थैंक यू सर, आप इतना समय हमें दे रहे हैं, हमें इतना सीखने को मिल रहा है। और अंतोगत्वा में सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सहयोग से ये ई ज्ञान सीरीज शुरू हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी हमारे विद्यार्थी, अन्य शिक्षक महोदय महोदया का, जो भारत भर से जुड़े और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैसेज, आप देखिए मैसेज में कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है उस वातावरण। डल ऑडियंस हमारे पास नहीं थी, बहुत ही इनलाइटेंड हो चुकी ऑडियंस थी, जो समय समय पर अपने फीडबैक भी तुरंत तुरंत दे रही थी। तो मैं सभी का आपसे धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माँ भारती अपने परम वैभव को पुनः प्राप्त करेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, मानस सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया और सर सर धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर माय कमेंट, थैंक यू ऑल सर सर प्लीज सर। और सभी लोगों को हमारे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में भी वेलकम है, जिसका शेड्यूल मैं यहां डिस्प्ले कर रहा हूं। अगला लेक्चर हमारा 8 मई को 11 बजे से है, टॉपिक होगा चेंजिंग इश्यूज इन एचआरएम बाय प्रोफेसर तुलिका फ्रॉम बरेली। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, फिर लीव करूंगा जी सर। हाँ सर प्लीज प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।